प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन ह्यूमन फर्स्ट था कॉन्टेंट्स टेस्टीज सेमनीफेरिस्टिब्यूल्स स्पर्म प्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म फर्स्ट था टेस्टीज स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स की द स्ट्रक्चर वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस दैट इज द टेस्टीज तो वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जहाँ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट इज टेस्टी है टेस्टीज की अगर हम बात करें तो

इंटरनल वो आता आता क्या करेंगे वो हैंग जो जैसे ही यंग वन, यंग वन की बर्थ होगी तो टेस्टिस जो होते हैं वो आता आकर स्क्रोटम में आ जाएंगे बॉडी के अंदर जो बॉडी वाल के कह सकते हैं या इसकी जो वो सात पोजिशन होगी इसके जिसम के तो बाद में इसके हैंग करने की वजह क्या है इसकी वजह बेसिक ये है कि जो स्पर्म्स हैं उनको जो टेम्परेचर चाहिए फार दियर प्रोडक्शन फार दियर एक्टिवेशन दैट दिय इज़ थर्टी फोर डिग्री सेंटीग्रेड जबकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है थर्टी सेवन से ऊपर है थर्टी एट थर्टी सेवन थर्टी सेवन पॉइंट फोर डिग्री सेंटीग्रेड तो इस तरह से बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है अगर बॉडी टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे तो वो एक्टिव नहीं होंगे वो मोटाइल नहीं होंगे और फिर उनकी प्रोडक्शन भी जो है वो कम होगी इसलिए स्पर्म जो होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर जो एटेस्टिस को रखा जाता है ताकि कम टेम्परेचर के स्पर्म प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा स्पर्म एक्टिव होंगे और द पर्सन विल बी द फर्टाइल अच्छा कुछ लोगों के अंदर ये एबनॉर्मलिटी भी है कि नेचुरली जो टेस्टिस होते हैं वो उनकी बॉडी से नीचे हैंग आउट नहीं कर रहे होते हैं तो इस को सूरत में फिर जो होता है वो इनफर्टिलिटी होती है और डॉक्टर बाद में फिर क्या करते हैं सर्जिकली जो है वो टेस्टिस को जो है वो नीचे स्क्रोटम की तरफ लाते हैं तो दिस इज द ताकि जो टेस्टिस को टेम्परेचर मिल सके जहाँ एक्टिव स्व जो प्रोड्यूस हो सकेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है इसमें अगर आप देखें सबसे पहले द मेन कंपोनेंट ऑफ टेस्टिस दे आर दिफेस्टिब्यूल्स सेमिनिफेरिस्टिब्यूल बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर क्या होंगे कि स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होगी स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस होने के बाद द अल्टीमेट नेक्स्ट जो है वो दे मूव टू द रेटी टेस्टिसमिनिफेरिस्ट्यूल से स्पर्म प्रोडक्शन के बाद स्पर्मी इस स्ट्रक्चर को हम रेटी टेस्टिस नेटवर्क मैंने नेटवर्क जो बना रहे हैं रेटी का मतलब भी क्या होता है नेटवर्क उसके बाद रेटीटेस्टिस से स्पर्म्स दे मूव फर्दर इन डक्ट्स है जिनको एफरेंट बोलते हैं डक्ट्स बोलते हैं एफरेंट डक्ट से स्पर्म्स आगे जो है वो एक डायलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर चले जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं एपीडाइडमिस कहते हैं इनिशियली स्पर्म्स जो होते हैं दे आर स्टोर्ड इन दिस एपिडमिस और उसके बाद जब ये फर्दर इनको मूव आगे करना होगा तो एपिडाइडमिस से ये मूव करके फिर आगे डक्ट डेफरेंस के थ्रू बाकी स्ट्रक्चर में मूव करेंगे तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस का कहाँ का स्पर्म जो है प्रोड्यूस हो रहा है और एफरण डे वो एपिडेडमिस में कुछ टाइम के लिए स्टोर होंगे सेमिनिफेस्टिब्यूल टेस्टीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है दीज आर द स्ट्रक्चर वेयर स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड एक टेस्ट के अंदर ह्यूमन में अगर हम देखें देर आर अबाउट एट हंड्रेड सेबल सेमिनिफेरिस्टिब्यूल्स को अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो इसका डेफिनेटली सेंटर का इसका जो रीजन है ट्यूब ट्यूब है इसका मतलब ये है कि अंदर से खाली है ल्यूमेन है इसके अंदर मौजूद है सेमिनिफेस्टिब्यूल की जो वॉल है उसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं वन टाइप ऑफ सेल्स दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स दे आर देर सेल्स दिस एज परमेटोजेनिक सेल्स एंड द सस्टेंटिकुलर सेल्स बायो फंक्शन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स वो सेल्स हैं जिन्होंने स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं जबकि सस्टेंटिकुलर सेल्स ने वो फ्लूड देना है वो सिक्रशन देनी है जिसको जिसमें इनर्जी मौजूद है फूड मौजूद है स्पर्म जिसको इनटेक करेंगे और सरवाइव करेंगे अब एट हंड्रेड सेमिनी फेरेस्टिब्यूल्स टेस्ट के अंदर मौजूद है डिफरेंट सेमिनी फेस्टिब्यूल्स के दरियान में स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स हैं दे विच आर कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल सेल्स यानी सेमिन फेरिस्ट्रिब्यूल के अंदर नहीं बिटवीन द सेमिन फेस्ट्रिब्यूल्स दे आर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स वो हैं जिन्होंने टेस्टोस्टीरोन हारमोन प्रोड्यूस करना है टेस्टोस्टीरोन हारमोन डिवेलपमेंट के दौरान मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बाद में सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स के लिए जो है वो मेल के रिस्पॉन्सिबल है फिर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिन फेरिस्ट्रिब्यूल सेमनी फेरेस्टिब्यूल का अगर आप देखें मैंने सिंपली पहले बताया कि जो ल्यूमेन है ये वो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी है इसके अंदर फ्लूड स्क्रीशन मौजूद होगी सेमनी फेस्टिब्यूल की वाल के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे दो तरह के सेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं नंबर वन स्परमेट्रोजेनिक सेल्स स्परमेट्रोजेनिक सेल्स बेसिकली वो सेल्स हैं जिन्होंने स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं और दूसरी टाइप्स के सेल्स यहाँ जो मौजूद होंगे दे विल बी सस्टेंटिकुलर सेल्स सस्टेंटिकुलर सेल्स वो सेल्स हैं जिन्होंने फूड प्रोवाइड करना टू द स्पर्म्स इस से इंटस्ट्रिशियल सेल्स आप देख रहे हैं ये मैं तो अगर ये एक सेमनी फेस्टिब्यूल्स है ये दूसरी है और ये तीसरी सेमनी फेरेस्ट है तो इनके दरमियान में सेमिन फेस्टिब्यूल्स के दरमियान में देयर आर द दे इंडस्ट्रीशियल सेल्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स अगर हम स्पर्म्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं स्ट्रक्चर से पहले लेट वी डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड ह्यूमन में अगर हम देखें तो मेल के अंदर जो अडल्ट मेल आई मीन जो पिबरिटी की एज तक पहुँच चुका है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द हेल्थ हेल्थ के हवाले से जिसके यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन का रिलेशन जो है वो विद रेफरेंस टू द हेल्थ है नॉर्मल हेल्थी पर्सन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड्स तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ह्यूज नंबर ऑफ स्पर्म्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस दे आर स्टोर्ड इन द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ रिप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म्स की प्रोडक्शन अगेन जैसे हम बात कर चुके हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अंदर प्रोडक्शन होगी जबकि स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जब स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं तो इनिशियल स्टेज होती है दे आर दी एक्चुअली द स्पर्मेटोगियम है तो स्पर्मेटोगिया फिर आगे स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोसाइट्स फिर मीओस के थ्रू स्पर्माटेट बनाते हैं और स्पर्माटेट के अंदर जब फर्दर चेंजेस आती हैं तो ये स्पर्म्स बनते हैं तो ये पूरा एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स spermatos, पहले स्पर्मेटोसाइड में कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटोसाइड फिर स्पर्माटेड्स में कन्वर्ट होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और स्पर्माटेड फिर मॉडिफाई होकर स्पर्म बना देते हैं यहाँ यह अगर हम देखें ये सिंपल सा ओवरव्यू लिया गया कि सबसे पहले स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं फिर स्पर्मेटोसाइड्स बन जाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी फिर स्पर्माटेट बन जाएंगे और देन स्पर्माटेट आर कन्वर्टेड इन टू द स्पर्मेटोजोआ या के स्पर्म्स जिसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स स्पर्म बेसिकली थ्री मेजर कंसिस्ट करता है तो हेड मिड पीस एंड द टेल हेड का काम है इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और उसके आगे एक स्पेसिफिक कैप मौजूद होती हेड से पीछे हमारे पास मौजूद है कॉलर या मिड पीस जिसके अंदर एक्चुअली माइट्रोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म्स को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एंड देन द टेल टेल का बेसिक फंक्शन जो है वो मोटिलिटी है ये वाइपलाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास मौजूद है आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो द इम्पोर्टेंट थिंग इज द हेड नंबर वन नंबर टू मिड पीस जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है एंड नंबर थ्री इज द टेल या जिसको हम फ्लेजेलम भी बोलते हैं